हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। हम जो मंदिर की श्रृंखला चला रहे थे अभी तक, उसमें हमने नागर शैली और द्रविड़ शैली के मंदिर पढ़े थे, और आज हम वेसर शैली और अन्य शैली में बने हुए जो मंदिर हैं, जैसे विजयनगर या फिर नायक शैली में मीनाक्षी टेम्पल, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यदि आपने इससे पहले के हमारे लेक्चर ना देखे हों, तो मैंने चार भागों में मंदिरों को पढ़ाया है, और हमने उत्तर भारत के लगभग सभी मंदिर और दक्षिण भारत के सभी मंदिरों को उसमें कवर किया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपने ना देखा हो तो उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये श्रृंखला ख़त्म होने के बाद हम प्राचीन भारत से इतिहास का अध्ययन शुरू करने वाले हैं, और जैसे कि नेट का एग्ज़ाम आने वाला है, GIC प्रवक्ता का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपना सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, मंदिर भारतीय मंदिरों की वेसर शैली। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस वेसर शैली की विशेषताएं क्या हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था, नागर शैली और द्रविड़ शैली की अलग अलग कुछ कुछ विशेषताएं थीं, तो ये जो वेसर शैली है, इन दोनों का मिला जुला रूप है, यानी कि नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को मिला के कुछ विशेषताएं नागर शैली से ली हुई हैं, और कुछ विशेषताएं जो हैं वो इसमें द्रविड़ शैली से ली हुई हैं। और इस शैली के मंदिर जो हैं, ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस शैली के मंदिर हमको किस ज्योग्राफिकल रीजन में मिलते हैं, यानी हमको कौन से भौगोलिक क्षेत्र में मिलते हैं। तो ये जो वेसर शैली है, ये विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक इसके मंदिर पाए जाते हैं। इसी तरह से द्रविड़ शैली का मैंने आपको बताया था कि कृष्णा नदी से लेके और दक्षिण के जो भाग कन्याकुमारी है वहाँ तक आपको द्रविड़ शैली के मंदिर मिलते हैं। तो इसका जो मंदिर है, ये आपको मिलेंगे विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, और जो मंदिरों का आकार है वो आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्ध गोलाकार होता है इसमें। तो यहाँ से शिखर जो है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है नागर शैली से, और थोड़ा सा डिफरेंट आपके द्रविड़ शैली से भी है। तो इसका शिखर थोड़ा सा अलग है दोनों शैलियों से, और दोनों का मिला जुला एक तरह से रूप है, और इसी तरह से इसका जो शिखर है वो गोलाकार या अर्ध गोलाकार हो जाता है। इस शैली के मंदिरों को चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल शासकों द्वारा निर्मित किया गया है। तो जो चालुक्य, बादामी के जो चालुक्य हैं, और जो राष्ट्रकूट शासक हैं, और जो होयसल शासक हैं, इनके द्वारा जो मंदिर निर्मित किए गए हैं वो वेसर शैली की अंतर्गत आते हैं। तो हम अब सबसे पहले एक एक करके सारे राज्य वंशों को देखेंगे, चालुक्य, होयसल और राष्ट्रकूट। तो सबसे पहले चालुक्यकालीन स्थापत्य देखते हैं। बादामी के जो चालुक्य हैं, उनकी जो स्थापत्य कला थी उसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। इसकी जो शुरुआत है, जो बादामी के चालुक्य हैं उनकी जो स्थापत्य कला की शुरुआत है, ये ऐहोल से मानी जाती है। ऐहोल एक जगह है कर्नाटक में, यहाँ से होती है, और इसका चरमोत्कर्ष जो है बादामी और पट्टदकल में दिखता है हमको। तो जो ऐहोल के जो मंदिर हैं, इसमें करीब 70 से भी ऊपर मंदिर पाए गए हैं ऐहोल में, और ऐहोल के बाद बादामी में गुफा मंदिर बनते हैं काफ़ी, जिसमें शिव, विष्णु, विष्णु अवतार और जैन तीर्थांकर पार्श्वनाथ से संबंधित यहाँ पे मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो मंदिर हैं, ये केवल हिंदू मंदिर नहीं है, यहाँ पे जैन मंदिर भी हैं। तो इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि जो चालुक्य शासन है उसमें किस तरह से धार्मिक सहिष्णुता भी है, और यही ऐसा ही धार्मिक सहिष्णुता हमको देखने को मिलेगी राष्ट्रकूट के समय में, जब हम एलोरा की गुफाएँ पढ़ेंगे। तो यहाँ के जो मंदिर हैं, जो चालुक्यकालीन स्थापत्य है उसके जो मंदिर हैं, इनको चट्टानों को काटकर संयुक्त कक्ष और विशेष ढांचे वाले मंदिरों का निर्माण देखने को हमको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको चट्टानों से कटे हुए मंदिर निर्मित यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब ये दो मंदिर हैं कुछ ऐहोल के, एक मेगुती का जैन मंदिर है, ये जैन मंदिर है, और ये दुर्गा मंदिर है। दुर्गा मंदिर नहीं, एक्चुअली ये दुर्ग मंदिर है, और ये देवी दुर्गा के लिए नहीं है, क्योंकि ये दुर्ग के रूप में बना है, इसलिए इसको दुर्ग मंदिर बोलते हैं। और इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये कर्नाटक में एक ज़िला है बीजापुर, कर्नाटक के बीजापुर क्षेत्र में ये पूरा का पूरा विकास देखने को मिलता है हमको। और ऐहोल मंदिर वास्तु में बौद्ध चैत्य का हिंदू मंदिर पर प्रभाव दिखाता है। तो जो बौद्ध में जो हमने चैत्य पढ़े थे, उसका प्रभाव जो है इनके हिंदू मंदिरों में देखने को मिलता है, यानी कि इस पे बुद्धिज़्म का प्रभाव है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, और बुद्धिज़्म का प्रभाव हमको चालुक्यकालीन मंदिरों में देखने को मिलता है। इसका उदाहरण है मेगुती का जैन मंदिर। अब ये जो जैन मंदिर है, और इसको इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है पुलकेशिन द्वितीय से।
चालुक्य शासन जो था, जो शासक था बादामी का, पुलकेशिन द्वितीय सबसे महान शासक हुआ है चालुक्य वंश में, उससे ये जुड़ा हुआ है मेघूति का जैन मंदिर। और इस जैन मंदिर का जो निर्माण है वो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने कराया है। तो रवि कीर्ति इसका दरबारी कवि है पुलकेशिन द्वितीय का, इसने इस जैन मंदिर का निर्माण कराया है। और ये, अब ये जो पुलकेशिन है ये ब्राह्मण धर्म का प्रवर्तक है, लेकिन इसका जो दरबारी है वो जैन धर्म का प्रवर्तक है। तो यहीं से हमको धार्मिक सहिष्णुता भी देखने को मिलती है। और ये जो मेघूति का मंदिर है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ऊपर एक शिलालेख लिखा हुआ हमको मिलता है, एक प्रशस्ति मिलती है जिसको हम ऐहोल की प्रशस्ति बोलते हैं। ऐहोल प्रशस्ति के नाम से ये विख्यात है। और इस प्रशस्ति में, ये जो प्रशस्ति है ये लिखी है रवि कीर्ति, रवि कीर्ति क्योंकि इसका दरबारी कवि था पुलकेशिन का, तो इस लिए ये काफ़ी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। और मंदिर की जो बाहरी पूर्वी दीवार है उस पर स्लैब पर ये अंकित है, और ये संस्कृत भाषा में या फिर पुरानी कन्नड़ लिपि में इसको 19 पंक्तियाँ इसमें खुदी हुई पाई गई हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ऐहोल प्रशस्ति है संस्कृत भाषा या पुरानी कन्नड़ लिपि है जिसमें 19 पंक्तियाँ हैं, मेघूति के जैन मंदिर में ये मिलती है हमको। और ये रवि कीर्ति जो कि दरबारी कवि था पुलकेशिन द्वितीय का, उसने इसको उत्कीर्ण करवाया है, उसने इसको प्रशस्ति को लिखा है। लेकिन इसकी जो शैलीगत अंतर देखने को जो मिलता है हमको 18वीं और 19वीं जो पंक्ति है उसमें कुछ ऐसा अंतर देखने को मिलता है जिससे ये पता चलता है कि ये पंक्तियाँ बाद में जोड़ी गई हैं और ये रवि कीर्ति की शायद नहीं है। इसमें जो लेखक है अपने संरक्षक राजा पुलकेशिन द्वितीय की तुलना किम विदंतियों से करता है और खुद की तुलना कुछ महान संस्कृत कवियों जैसे कालिदास और भारवी से करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है और एक बार NTA नेट में पूछा भी जा चुका है कि मेघूति के जैन मंदिर में रवि कीर्ति ने अपनी तुलना किन कवियों से की है। तो उसने अपनी तुलना जो है वो कालिदास और भारवी से की है और संस्कृत के कवियों से की है, और ये उसने संस्कृत भाषा में लिखा है प्रशस्ति पूरा। और इससे हमको ये भी पता चलता है कि अब ये जो मंदिर बना है ये बना है 634 ईस्वी में, और जबकि कालिदास का जो काल अवधि थी वो थी 5वीं सदी। तो इस समय तक कालिदास की जो ख्याति है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। और ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं दक्षिण की, कर्नाटक की बात कर रहे हैं, और कालिदास जैसा कि हम जानते हैं गुप्त काल में थे और जो कि उत्तर भारत की के शासक में के अंतर्गत थे। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि भारतवर्ष में कालिदास की ख्याति काफ़ी फैल चुकी थी उस समय। तो जो रवि कीर्ति हैं ये कालिदास के रघुवंश में पाए गए कई अतिरिक्त छंदों का को उधार लेता है और इसको अपनी जो कविता इसने जो लिखी है, जो इसने अपनी ये लिखी है प्रशस्ति लिखी है, इसमें रघुवंश कालिदास की एक रचना है उससे बहुत सारा कुछ उधार लिया गया है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि रवि कीर्ति ने कालिदास की किस रचना का प्रयोग किया, तो उसने रघुवंश का प्रयोग किया यहाँ पे। अब ये दुर्ग मंदिर जो है इसके गर्भगृह पर बने शिखर शुंडाकार ना होकर पिरामिडाकार हैं। तो ये एक इसमें एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। और भले ही मंदिर में दुर्गा की मूर्ति है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके नाम की उत्पत्ति दुर्गा देवी के प्रति समर्पण के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये दुर्ग, यहाँ पे दुर्ग का अर्थ है रक्षक या किला, तो इसलिए इसका नाम दुर्गा मंदिर पड़ा हुआ है। भारतीय पारंपरिक वास्तुकला में मंदिर के आकार को गजप्रस्थ के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है हाथी की पीठ जैसा दिखता। मतलब ये जो मंदिर है इसको गजप्रस्थ के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये हाथी के पीठ जैसा दिखता है। आपका कौन सा? दुर्ग मंदिर। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। अब हम आते हैं राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य पे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा और मुंबई में एलिफेंटा गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। इसके जो पूरा कालखंड है इसमें जितना भी स्थापत्य हुआ है ये एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो एलिफेंटा की जो अधिकतर गुफाएं हैं वो हिंदू हैं और शेष जो है वो बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। तो ये हमको याद रखना कि एलिफेंटा की जो गुफा है उसमें केवल हिंदू स्थापत्य नहीं है, उसमें बौद्ध स्थापत्य भी देखने को हमको मिलता है। जबकि एलोरा जो है वो हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों को समर्पित है। तो जो एलोरा की जो गुफा है उसमें हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों हैं, और एलिफेंटा में हिंदू और बौद्ध हैं, जैन नहीं है। तो ये यहाँ से एक डिफरेंस है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है डिफरेंस के ऊपर भी आता है, तो ये हमको याद रखना है।
और एलिफेंटा में बनी एक त्रिमूर्ति की, एक त्रिमूर्ति है मतलब एक ऐसी मूर्ति है जिसमें तीन मुख हैं, ये सबसे ज़्यादा फेमस है, बहुत विश्व प्रसिद्ध है। और यूनेस्को ने एलोरा को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है एलोरा को, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जैसा मैंने आपको बताया पहले भी अपने लेक्चर में, यूनेस्को की जितनी भी साइट्स हैं, जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसका अध्ययन करना तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है। तो एलिफेंटा में आप याद रखिए कि हिंदू और बौद्ध धर्म है, जबकि एलोरा में हिंदू जैन और बौद्ध तीनों धर्मों को समर्पित किए हुए मंदिर, आपको गुफाएं, स्थापत्य मिलेगा। और एलिफेंटा में त्रिमूर्ति जो है आपको मिलती है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिमूर्ति का अंकन हमको कहाँ पे मिलता है, तो वो एलिफेंटा है। एलिफेंटा की गुफा मंदिर हम पढ़ लेते हैं, पिक्चर में आपको एलिफेंटा की गुफाएँ दिख रही होंगी, इसका नाम एलिफेंटा क्यों पड़ा वही मैं आपको बताऊँगा। ये गुफाएँ जो हैं ये मंदिर मुंबई से करीब 6 मील दूर एक टापू पर स्थित हैं, और यहाँ पे जाने के लिए आपको गेटवे ऑफ इंडिया से एक बोट लेनी पड़ती है और आपको उस टापू तक जाना पड़ता है। इसका वास्तविक नाम जो है वो धारापुरी था, मतलब इसका पहले जो नाम था वो धारापुरी था, एलिफेंटा नाम नहीं था। लेकिन यहाँ पे पुर्तगाली लोगों को कुछ एक हाथी की प्रतिमा दिखाई देने के कारण इसका नाम जो है उन्होंने एलिफेंटा रखा, तो ये एलिफेंटा जो नाम रखा गया है ये भारतीयों ने नहीं रखा, पहले इसका नाम धारापुरी था। कई बार प्रश्न यहाँ से भी आता है कि एलिफेंटा का पुराना नाम क्या है, तो एलिफेंटा का जो वास्तविक नाम है वो धारापुरी है, एलिफेंटा नाम जो है वो पुर्तगालियों की देन है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि किसने इसका नाम एलिफेंटा दिया, या एलिफेंटा नाम जो है वो किसकी देन है, और ये क्यों मिला, क्योंकि वहाँ पे आपको मैंने बता दिया हाथी की एक प्रतिमा इनको दिखाई दी, जिसकी वजह से इसका नाम इन्होंने इसको एलिफेंटा रख दिया। इस टापू पर दो बड़े बड़े पर्वतों को तराश कर मंदिरों का निर्माण किया गया है। अब ये जो आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा ये पहाड़ है, ये पूरा पूरा पहाड़, इसको काट के किसी तरह से यहाँ पे खंभे आपको दिख रहे होंगे, स्तंभ दिख रहे होंगे, और ये मंडप का निर्माण किया गया है, और इसके अंदर ही आपको मंदिरों का निर्माण देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको त्रिमूर्ति दिखती है, और ये त्रिमूर्ति की मूर्ति है आपको दिख रही होगी, जिसमें सेंटर एक फेस है, एक दाएँ तरफ एक बाईं तरफ एक फेस है, और इसके दोनों तरफ जो है वो द्वारपाल खड़े हुए हैं। ये काफ़ी इसकी हाइट है मूर्ति की, मतलब अभी फ़ोटो में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये जो रेलिंग है ये रेलिंग करीब करीब 4.5-5 फीट की है, और अगर आप खड़े होंगे तो आपको ये मूर्ति काफ़ी ऊंची दिखाई देगी। आधुनिक काल में कुछ अंग्रेज़ी इतिहासकार थे जैसे फर्गुसन हैं और बर्जेस हैं, इन्होंने इन विद्वानों ने मूर्तियों के आधार पर इसे 8वीं और 9वीं शताब्दी में निर्मित माना है। इनका मानना है कि ये करीब करीब 8वीं या 9वीं शताब्दी में बनी होंगी, लेकिन कुछ भारतीय इतिहासकार हैं जैसे हीरानंद शास्त्री और डॉक्टर प्रमोद चंद्र, इन्होंने इन मूर्तियों की तिथि 7वीं शताब्दी माना है, क्योंकि इनमें कोंकण के मौर्य का योगदान है। अब ये कोंकण के मौर्य, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कोंकण के जो मौर्य हैं, ये इनका शासन यहाँ पे रहा है महाराष्ट्र के इस भाग में, तो कोंकण के मौर्य का योगदान माना है, इसलिए इन्होंने इसको कालखंड जो है वो 7वीं शताब्दी माना है, हीरानंद शास्त्री और प्रमोद चंद्र ने। अब यहाँ पर जो प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं वो क्या हैं, त्रिमूर्ति तो मैंने आपको बता ही दिया, त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति को बोला गया है, इसमें भी मतभेद हैं, कुछ कहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का अंकन यहाँ पे है, और कुछ ऐसा बोलते हैं कि ये भगवान शिव का ही रूप है, जिसमें अर्धनारीश्वर और उमा महेश्वर, इस तरह से मतभेद माना गया है। तो इसमें इसके अलावा, इस त्रिमूर्ति के अलावा शिव तांडव की खंडित मूर्ति मिली है, शिव द्वारा अंधक राक्षस का संहार करते हुए ऐसी एक मूर्ति मिली है, शिव पार्वती विवाह की मूर्ति मिली है, अर्धनारीश्वर है, और रावण कैलाश पर्वत उखाड़ता हुआ। तो ये जो रावण कैलाश पर्वत उखाड़ता हुआ है, ये इसका हमको चित्रण बहुत सारे मंदिरों में मिला है, और कई बार यहाँ से प्रश्न आता है, आपको सूची दी होगी, नाम दिया होगा, कोड में हो सकता है आंसर आपसे पूछ लें, तो ये याद रखना है हमको। अब जैसे जैसे मैं ये लेक्चर आगे बढ़ाता जाऊँगा आपको बताता जाऊँगा कहाँ कहाँ मिला है, हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, तो पहला आप नोट डाउन कर सकते हैं इसमें कि सबसे पहले हमको कहाँ पर मिलता है ये हमको मिल गया एक तो एलिफेंटा में। अब आगे देखते हैं, और एलोरा के मंदिरों को अगर हम पढ़ें तो एलोरा जैसे मैंने आपको बताया औरंगाबाद ज़िले में है महाराष्ट्र के, और वहाँ पे हमको हिंदू जैन और बौद्ध तीनों धर्मों की गुफाएं मिलती हैं। वहाँ पे कुल 34 गुफाएं हैं, एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। पहली 12 जो गुफाएं हैं वो अलग एक धर्म की हैं, फिर 13 से 29 जो हैं ये हिंदू धर्म की हैं, और आखिरी की जो 30 से 34 हैं वो जैन धर्म की हैं।
यानी कि पहली 12 जो है, 1 से 12 हो गई बौद्ध धर्म, 13 से 29 हो गई हिंदू धर्म और 30 से 34 हो गई जैन धर्म। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि पहली 12 गुफाएँ किसने हैं या 13 से 29 गुफाएँ किस धर्म को समर्पित हैं। तो 13 से 29 हिंदू धर्म को समर्पित हैं, इसमें से गुफा संख्या 14, 15 और 16 ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि हर बार परीक्षा में आती, किसी ना किसी परीक्षा में घूम फिर के इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाता है। तो 14वीं जो नंबर गुफा है इसको रावण की खाई बोला जाता है। 15 नंबर की जो गुफा है इसको यहाँ पे दशावतार मंदिर हमको मिलता है, जो जिसका निर्माण किसने कराया, राष्ट्रकूट शासक दंती तुर्क द्वितीय ने इसका निर्माण कराया है, जिस दशावतार मंदिर। और ये गुफा संख्या 15 ये हमको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो इन्हीं तीन के ऊपर बनेगा। गुफा संख्या 15 में आपको कौन सा मंदिर मिलता है, या मैच द फॉलोइंग में पूछ देगा। गुफा संख्या 14, 15, 16, 16 में हमको मिलता है कैलाश मंदिर, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है और इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया है, और इसका जो समय है ये 8वीं शताब्दी है, मतलब 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है कैलाश मंदिर, और इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये आप याद रखिए कि ये स्लाइड्स के ऊपर आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन निकल रहे हैं। रावण की खाई, गुफा संख्या 14, दशावतार मंदिर दंती दुर्ग द्वितीय ने बनाया, गुफा संख्या 15, कैलाश मंदिर जिसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया, गुफा संख्या 16। तो ये आपको मैच द फॉलोइंग या किसी में एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, कला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक उदाहरण है ये। इसको ध्वजा स्तंभ भी कहते हैं, ध्वजा स्तंभ भी इसका एक नाम है, और जैसा आप इस फोटो में देख पा रहे होगे, इसको एक पहाड़ में ऐसा लग रहा है जैसे कार्विंग करके, काट के, मतलब कोई सांचा ऐसा करके उसको बनाया गया है। तो ये जो संपूर्ण मंदिर है ये एकाश्म पत्थर से बना है, जिसको ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। अब ये जो इसकी खासियत सबसे बड़ी क्या है कि इसको ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है, और ऐसा बना हुआ इस तरह से एकाश्म पत्थर से ऊपर से नीचे तराश के बनाया गया विश्व का ऐसा ये सबसे बड़ा मंदिर है। इस समय अगर आप देखें तो मोनोलिथिक बिगेस्ट टेम्पल है ये, एकाश्म पत्थर से ऊपर से नीचे से काट इसको तराश के बनाया गया, और संपूर्ण मंदिर जो है वो गज पृष्ठ पर स्थित दिखता है। इसलिए इस मंदिर का जो उच्चतम शिल्प है, इसका उदाहरण हमको मिलता है रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का दृश्य। अब यहाँ पे भी एक रावण द्वारा हमको कैलाश पर्वत उठाने का दृश्य मिल जाता है, किसमें, कैलाश मंदिर में। तो पहला हमको एलिफेंटा में मिल गया, दूसरा हमको मिल गया कैलाश मंदिर एलोरा। यहाँ पे भी इसको हम रावण अनुग्रह कहते हैं, मतलब जिस समय रावण कैलाश पर्वत पे, अब आपको पता होगा पौराणिक कथा जो है, जिस हिसाब से रावण जब जाता है कैलाश पर्वत पे तो उसको शिव जी और पार्वती जी ऊपर बैठे होते हैं, तो शिव जी उसको अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को जब धकेल देते हैं, दबा देते हैं, तो रावण जो है वो कैलाश पर्वत के नीचे दब जाता है, और वहीं पे उसने जो शिव जी के लिए जो तांडव स्रोतम जिसको हम बोलते हैं, उसकी रचना उसने वहीं पे की है। तो इसके जो पूरा का पूरा अंकन है इस कथा का, पौराणिक कथा का, इसका हमको देखने को मिल जाता है कैलाश मंदिर। एलिफेंटा हो गया, आगे चल के हम और देखेंगे किस किस मंदिर में भी और मिलेगा ये, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं होयसल शासकों का स्थापत्य, इनकी जो कला है इसको कर्नाटक द्रविड़ कला भी कहते हैं। अब ये जो वेसर शैली थी इसको चालुक्य शैली भी कहा जाता है, और जो होयसल शासकों का जो स्थापत्य है इसको कर्नाटक द्रविड़ कला भी कहते हैं। हालांकि इसके जो मंदिर हैं, होयसल शासकों के जो मंदिर हैं, ये वेसर शैली के अंतर्गत ही आएंगे। और मंदिर योजना के 4 अंग हैं इसमें, गर्भगृह है जिसको कोष्ठ कहा जाएगा, अंतराल है, इसके अलावा स्तंभ युक्त वृहत कक्ष हैं जिसको नवरंग कहते हैं, यहाँ पे बस खाली नाम बदल गया है, और स्तंभ युक्त खुला मंडप है जिसको मुख्य मंडप कहा जाता है। तो गर्भगृह को यहाँ पे कोष्ठ कहा गया है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। गर्भगृह को कोष्ठ किस कला में कहा गया है, तो ये होयसल कला में कहा गया है। अब इसके जो उदाहरण हैं, ये है बेलूर का चिन्नाकेश्वर मंदिर और हेलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर तथा सोमनाथपुर का केशव मंदिर। तो ये जो तीन मंदिर हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चिन्नाकेश्वर मंदिर कहाँ पे है, बेलूर में, कई बार जगह भी आपसे पूछ लेते हैं। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पे है, ये है हेलीबीड में, और सोमनाथपुर में कौन सा है, केशव मंदिर है। और इनके जो मंदिर हैं ये तारकीय योजना पर इन मंदिरों का निर्माण होता है। अब तारकीय योजना क्या है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। हमने जब पंचायतन शैली पढ़ी थी तो आपको याद होगा कि वहाँ पे एक सेंटर मंदिर होता था, और उसके चारों तरफ
चार मंदिर होते थे इस तरह से कुछ, चार मंदिर थे। तो ये पंचायतन शैली जो है वो एक क्रॉस बनाती थी, इस तरह से क्रॉस बनता था, ये पंचायतन शैली थी। अब ये तारकीय योजना क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरह से मंदिर बनते हैं। अब ये एक स्टार टाइप का बनेगा, मतलब एक तारा टाइप का बना है, और इसके हर एक कोने पे एक एक मंदिर होगा, 1, 2, 3, 4 और 5। ये पांच मंदिर जो बने हैं ये तारकीय योजना, ये होयसल शैली में मिलते हैं हमको इस तरह के मंदिर। ये पांच मंदिर हैं और ये पांचों पांचों मंदिर इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इसको बोला गया तारकीय योजना। ये तारकीय योजना है इसीलिए इसको बोला गया है, और ये होयसल शासकों के स्थापत्य में आती है, तो हमको याद रखना है होयसल शासकों में तारकीय योजना के मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो मंदिरों का जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो हुआ है सॉफ्ट शिस्ट, सॉफ्ट शिस्ट नाम का मटेरियल यहाँ पे यूज़ होता है मंदिरों में। अब ये हेलीबेट का होयसलेश्वर मंदिर है जिसकी फोटो आप देख रहे होगे यहाँ पे, इसको होयसल नरेश नरसिंह ने बनवाया था 12वीं सदी में, और अभी इसको हेलीबिट बोलते हैं, लेकिन पहले इसका नाम द्वार समुद्र था। इसका अगर पुराना नाम, अगर हम कभी और पुराना नाम भी पूछते हैं आपसे, तो द्वार समुद्र इसका पुराना नाम है। इसमें बनवाया गया था, इसका जो नक्शा है ये केदरोज ने बनाया था। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं नक्शा किसने बनाया, तो इसका जो नक्शा है केदरोज ने बनाया था। और ये शिव मंदिर है जिसके गर्भगृह में नंदी मंडप भी हमको बना हुआ देखने को मिलता है। अलंकरण के अगर देखा जाए दृष्टि से, तो ये जो मंदिर है इसकी मुख्य विशेषता इसका अलंकरण है, जिसे यहाँ कुशलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है, और चबूतरों पर बनी दीवारें जो हैं इसकी, ये पूर्ण रूप से अलंकृत हैं। इसमें इतनी ज़्यादा नक्काशी की गई है सुंदर तरीके से, जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये महिषासुर मर्दिनी की एक मूर्ति की पूरी कार्विंग की गई है। नीचे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे देवी दुर्गा के हाथ में त्रिशूल है, इधर डमरू है, इधर नीचे महिषासुर है जिसका वध किया है। तो इनमें आपको इंद्र की स्वर्गपुरी और पौराणिक कथाओं का अंकन मिलता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें इतना अलंकरण है, हर एक बहुत ज़्यादा महीन छोटी छोटी बारीक बारीक तरीके से इसको पत्थर पे इतना कार्विंग किया गया सुंदर तरीके से। तो इसमें इंद्र की स्वर्गपुरी एक तो मिली, पौराणिक कथाएं हैं, महिषासुर मर्दिनी मैंने आपको दिखा दिया, देवी दुर्गा की मूर्ति कला की दृष्टि से विशेष है। और यहाँ पे भी हमको देखिए, अब यहाँ पे रावण अनुग्रह, ये जो मैंने आपको बताया रावण अनुग्रह, ये रावण के 10 सर दिख रहे होंगे आपको हाथों से उठा के, वो कैलाश पर्वत के नीचे दबा हुआ है, तो इसी को रावण अनुग्रह कहते हैं। इसका भी दृश्य हमको कहाँ मिल रहा है, होयसलेश्वर मंदिर में देखने को मिल गया। तो अब ये तीन मंदिरों में मैंने आपको दिखा दिया, एलोरा के कैलाश मंदिर, एलिफेंटा में, और होयसलेश्वर मंदिर। इसके अलावा यहाँ पे रामायण के कई दृश्यों का अंकन है, जैसे सीता हरण हुआ, या रावण जटायु युद्ध है, बाली सुग्रीव युद्ध है, सेतु बंध है, मतलब जो सेतु बनाया गया उसका, और अशोक वाटिका में सीता माता का। इस तरह से हमको यहाँ पे बहुत सारे रामायण से जुड़े अंकन यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस होयसलेश्वर मंदिर में। तो यहाँ पे आपको देखिए किस तरह से कार्विंग की गई है, और यदि आप देख पा रहे होगे तो इसको ज़्यादा ऊंचाई नहीं दी गई है, चबूतरों पे ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं बनाया गया, बहुत छोटा है ये, काफ़ी ज़्यादा रेस प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब नागर शैली में आपने देखे होंगे काफ़ी रेस प्लेटफॉर्म पे मंदिर बने, तो ये शैली जो है ये रेस प्लेटफॉर्म पे ना बनाना है, द्रविड़ शैली है। अब ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को रेस किया गया है, तो ये यहाँ से इसने कुछ पार्ट द्रविड़ शैली का लिया है, कुछ पार्ट इसने नागर शैली का लिया है। अब यहाँ पे शिखर भी आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे विमान नहीं बनाए गए, जैसे आपने द्रविड़ शैली में देखे, जब हमने चोल मंदिर पढ़े थे, तंजौर का बृहदेश्वर देखा था, तो कितने ऊंचे ऊंचे विमान बने थे, एकदम गगनचुंबी विमान और गोपुरम बनाए गए। तो यहाँ पे आपको गगनचुंबी विमान और गोपुरम नहीं दिखेंगे, जबकि ये जो मंदिर है ये जिगजैग तरीके से रेखाओं से बाकी मंदिरों से आपको जुड़ा दिखेगा इस तरह से। तो ये इसकी एक अलग इसकी विशेषता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में द्वार समुद्र पर आक्रमण किया गया था और इसे लूट लिया गया था। हमने अपना सल्तनत का इतिहास पढ़ा था पूरा का पूरा, उसमें इसके बारे में भी जिक्र हुआ था कि किस तरह से मलिक कफूर जाता है दक्षिण के अभियानों में और किस तरह से लूट मार होती है। और मोहम्मद तुगलक ने होयसल नरेश वीर बल्लाल, एक होयसल नरेश थे वीर बल्लाल, इनके द्वार समुद्र के अधिकांश भाग छीन लिया गया था मोहम्मद तुगलक के समय में।
जब विजयनगर राज्य का उत्थान होता है उसके बाद द्वार समुद्र जो है विजयनगर साम्राज्य का ही अंग बन जाता है और इसकी स्वतंत्रता जो है वो समाप्त हो जाती है। अब ये विजयनगर साम्राज्य का अंग बनता है द्वार समुद्र। इस मंदिर का गर्भगृह अष्टपद योजना में निर्मित है, तो ये हमें याद रखना है, अष्टपद योजना में गर्भगृह है होयसलेश्वर मंदिर का, जिसकी दीवारें कोण विशेषण से युक्त हैं। इसके विपरीत स्तंभ युक्त कक्ष की योजना जो है वो वर्गाकार है। तो जो स्तंभ युक्त कक्ष है, मतलब जो मंडप है, मंडप जो है वो वर्गाकार है, और जो गर्भगृह है वो अष्टपद योजना से निर्मित है। अब हम आते हैं विजयनगर शैली में, और जैसे मैंने आपको बताया वेसर शैली के अलावा हम अन्य शैली भी पढ़ेंगे, और ये विजयनगर शैली जो है ये द्रविड़ शैली का ही एक उपभाग है, एक तरह से उसकी उपशैली है। तो मैंने जब द्रविड़ शैली पढ़ाई थी आपको, उस समय बताया था कि पल्लव, पांड्य, चोल और इसके अलावा विजयनगर, नायक, इन सब शासकों के अंतर्गत जो है द्रविड़ शैली का विकास 1000 साल तक होता रहा है। तो उसमें से जो विजयनगर शैली है ये इसकी उपशैली है द्रविड़ शैली की, और इस स्थापत्य कला पर आपको चालुक्य, चोल, पांड्य और होयसल इन सभी का प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी कुछ अलग से अपनी भी एक अलग कुछ विशेषताएं हैं। इस शैली में जो मंदिर बने वो द्रविड़ शैली के अंतर्गत हैं, लेकिन इसमें अब हमको यहाँ पे नवीन मंडप का चलन यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसे कल्याण मंडप कहा गया है। तो यहाँ से प्रश्न भी बनता है कई बार, कल्याण मंडप जो है वो किस शैली की देन है। कल्याण मंडप आपको देन है विजयनगर शैली की। यहाँ मुख्य मंदिर के साथ साथ सहायक मंदिर को भी जोड़ा गया और जिसे अम्मान श्रीन कहा गया। तो ये एक और तथ्य बन गया आपको, एक और विशेषता है विजयनगर मंदिरों की, विजयनगर शैली की, यहाँ पे जो मुख्य मंदिर हैं उसके साथ साथ सहायक मंदिरों को भी जोड़ा गया जिसे अम्मान श्रीन कहा गया है। विजयनगर के मंदिर में इस्तेमाल हुए कम संगीत, गलत लिख गया ये, संगीत का गुण रखते हुए यहाँ पे जो मंदिर हैं आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे संगीत के स्तंभ होंगे, कुछ ऐसे स्तंभ होंगे जिसको अगर आप टैप करें, जिसको अगर हम मारें तो उसमें संगीत निकलता है। तो यहाँ पे संगीत का गुण रखते थे इसलिए इसे संगीतात्मक स्तंभ भी कहते हैं, संगीतात्मक स्तंभ कहते हैं। और प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर इसका उदाहरण है। अब विजय विट्ठल मंदिर जो है ये हम्पी में है और ये इसका उदाहरण है। यहाँ पे आपको स्तंभ ऐसे मिलेंगे जिसको म्यूजिकल पिलर बोलते हैं, तो म्यूजिकल पिलर्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये इसी शैली की देन है, म्यूजिकल पिलर्स। मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठापन में शासकों और उनकी पत्नियों की भी मूर्ति लगाई जाने लगी। अब यहाँ पे जो मूर्ति बन रही है उसमें जो देवी देवता की तो मूर्ति लगी, साथ ही साथ शासक और उनकी पत्नी यानी कि रानियों की भी मूर्ति यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये भी एक विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर शैली की एक अलग विशेषता है। इस काल में सरोवरों में बनाए गए इन मंदिरों में हजारा राम मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, रघुनाथ मंदिर, नरसिम्हा मंदिर, सुग्रीव गुफा, विट्ठल मंदिर, कृष्ण मंदिर, संगमेश्वर मंदिर तथा महानवमी डिब्बा प्रमुख हैं। तो यहाँ पे हमको नाम कई बार पूछे जाते हैं, तो विरूपाक्ष मंदिर आपको पता होना चाहिए। विरूपाक्ष मंदिर दो तरह के बने हैं, एक तो चालुक्य के शासक के समय में बने हैं और एक विजयनगर साम्राज्य में हम्पी में ही बने हैं। तो ये दोनों अलग अलग मंदिर हैं, विरूपाक्ष मंदिर, और इसके अलावा यहाँ पे रघुनाथ मंदिर, नरसिम्ह मंदिर देखने को मिलता है। हजारा राम मंदिर जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कई बार प्रश्न में पूछा जाता है किस शैली में बना है या किस साम्राज्य के अंतर्गत बना है। तो ये हजारा राम मंदिर जो है ये हमको याद रखना है विजयनगर साम्राज्य का है। विजयनगर साम्राज्य का अगर हम देखें कला की दृष्टि से, तो कला की तरफ उसका क्या योगदान रहा है विजयनगर साम्राज्य का, तो हालांकि विजयनगर की कला को द्रविड़ कला कहा गया है, परंतु इसकी कला अलग प्रकार की, जैसे मैंने आपको बहुत सारी विशेषताएं दिखाई जो द्रविड़ शैली से नहीं मैच करती, और इसकी कुछ अलग से विशेषता है। तो विजयनगर ने जो मंदिर वास्तुकला में कई नए तत्व जोड़े, जैसे बताया मैंने आपको कल्याण मंडप जोड़ा था जिसको हम अलंकृत अम्मान मठ भी बोलते हैं, बरामदे के बाएं किनारे पर मंडप का निर्माण आदि, ये सब इसमें अलग अलग बहुत सारे तत्व को जोड़ा गया। गर्भगृह और गोपुरम पहले की तरह बने रहे, जैसे गर्भगृह और गोपुरम मैंने आपको बताया था द्रविड़ शैली में उस तरह से ही बने रहे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो मेन जो इसकी विशेषता है वो ये है कि यहाँ पे स्तंभों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिलेगा हमको।
हजार स्तंभों वाले मंडलों का निर्माण विजयनगर मंदिर कला का आदर्श स्वरूप है। तो ये हजार स्तंभों वाला जो मंडप है, जो मंडल इसने बनाया है, ये इसकी कला का एक आदर्श स्वरूप है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोचक तत्व ये है कि यहाँ पे हमको धर्म निरपेक्ष भवनों में इंडो इस्लामिक विशेषताएँ पाई गई हैं, जैसे गुम्बद और कमल। गुम्बद और कमल का निर्माण जो है हमको, ये इंडो इस्लामिक विशेषता है। इंडो इस्लामिक जो हमने पढ़ा था अपना आर्किटेक्चर सल्तनत कालीन का, तो वहाँ पे भी देखा था इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है वहाँ पे गुम्बद है और कमल का अंकन मिलता है। तो ये जो इंडो इस्लामिक विशेषताएँ हैं वो हमको विजयनगर साम्राज्य के जो स्थापत्य है वहाँ भी हमको देखने को मिलती है। अब आखिरी में आते अपनी नायक शैली पे, जो कि मीनाक्षी मंदिर आपने सुना होगा, मदुरई का बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है मीनाक्षी टेम्पल। इसका निर्माण 7वीं सदी में हुआ करीब, और नायक तिरुमलाई नायक के काल में इसका निर्माण हुआ है। और इसमें वस्तुतः दो मंदिर हैं, दो भवन हैं। एक जो है वो सुंदरेश्वर के रूप में शिव को समर्पित है और दूसरा देवी मीनाक्षी के रूप में माता पार्वती को समर्पित है। तो यहाँ पे मंदिर के दो भवन हैं, अलग अलग शिव और पार्वती को समर्पित हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे मंदिर को संयुक्त रूप से मीनाक्षी टेम्पल कहते हैं। और इसकी विशेषता जो है, जो आकर्षक है, वो है इसका जल सरोवर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फोटो में जल सरोवर है, और इसका जो गोपुरम है काफ़ी ज़्यादा चमकीले रंग से इसको बनाया गया है। अब इस फोटो में इतना नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ऊँचे से गोपुरम बनाए गए हैं, ऊँचे ऊँचे गोपुरम है इसमें। और जो विमान आपको दिख रहा होगा, ये एक तरह से पिरामिडल विमान है और काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है। मतलब इतने कलरफुल मंदिर अभी तक नहीं बने, और ये 17वीं शताब्दी का जो मीनाक्षी टेम्पल है ये बहुत ज़्यादा कलरफुल, बहुत ज़्यादा रंगीन दिखेगा। और यहाँ पे हालांकि कुछ अलग से इस शैली में इतना कुछ अलग से कुछ निर्मित नहीं किया गया है, जितना कुछ द्रविड़ शैली में था इसने पूरा का पूरा द्रविड़ शैली को ही अपनाया है। नायक जो शैली है, जो उप शैली है द्रविड़ शैली की, बस खाली यहाँ पे केवल इतना अंतर आपको देखने को मिलेगा कि जल सरोवर के चारों तरफ मंदिर बने हैं, और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा चमकदार रंगों का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये मीनाक्षी टेम्पल की अलग से एक थोड़ी सी विशेषता है नायक शैली में, जो इसको द्रविड़ शैली से थोड़ा सा अलग करती है। बाकी पूरा का पूरा द्रविड़ शैली की जितनी विशेषता है वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। गोपुरम है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था वेसर शैली के ऊपर। यहाँ पे हम अपना मंदिर के स्थापत्य कला के ऊपर जो लेक्चर चल रहा था उसको समाप्त करेंगे, और अब हम अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे प्राचीन भारत। तो यदि आप अभी तक मेरे साथ ना जुड़े हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम आगे से शुरू करने वाले हैं एकदम क्रमबद्ध तरीके से, शुरुआती से, एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे हम, प्री हिस्ट्री से शुरू करेंगे, स्टोन एज से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और कमेंट करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।